जम्मू कश्मीर से 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर बदल रहा है ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जम्मू कश्मीर से मोहर्रम के मौके पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि जम्मू कश्मीर लगातार बदल रहा है जिंदगियां वहां पटरी पर लौट रही हैं आपको यह बता दें कि तीस साल बाद सिया समुदाय ने वहां पर मुहर्रम का जुलूस निकाला है और केंद्र सरकार के इस फैसले का उन्होंने स्वागत भी किया है नमस्कार स्वागत है आपका द न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल तिस्तर खत्म होने का विरोध करने वाले पीडीपी के नेता चाहे फिर वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हो उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हो आज उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तस्वीर बदल रही है जम्मू कश्मीर में अब जिंदगियां पटरी पर लौट रही हैं, अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है जो साल बाद लगभग वहां पर शिया समुदाय ने मुहर्रम का जुलूस निकाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार के मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करने पर मजबूर हुए हैं सबसे पहले आप ये सुनिए कि उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर क्या कहा है गुड थिंग्रम so प्रोसेशन ऑन 8th मोहरम Uh, we all welcome that and uh, we hope that uh, this is not a decision in isolation because we have found that when it suits the government uh, they find it very easy to clamp down on religious freedom you must give permission for friday prayers in jama masjid uh, every friday why is it that you don't allow eid prayers uh, in eidgah uh, there should be no stop ऑन दैट हम लोग जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हम लोग पूरा मीटिंग ले सारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर मीटिंग लिए और पूरा सेक्रेटाइजमेंट किए थिएटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक रहेगा स्मूथली रहेगा आपको ये बता दें कि 1990 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा था लेकिन आज तस्वीर कुछ और है आज ना सिर्फ आतंकवाद की घटनाएं कम हो रही पत्थर पत्थरबाजों पर लगाम कसी जा रही है बल्कि जो परमिशन मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए मांगी गई थी उस परमिशन को एक्सेप्ट किया गया और इस तरीके से अब मुहर्रम का जुलूस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकला है ये अपने आप में एक अलग तस्वीर है क्योंकि इससे पहले चाहे फिर वो रामनवमी पर यात्रा हो शोभा यात्रा निकाली गई थी इससे पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी पर वहां पर लाल चौक पर जो तिरंगा फहराया था वो तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी थी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर जो मोदी सरकार ने फैसला लिया था आर्टिकल तीन जो खत्म किया गया था दरअसल वो फैसला बिल्कुल सही था क्योंकि उसके बाद जम्मू कश्मीर लगातार बदल रहा है लाल चौक क्षेत्र से गुजरने वाले मार्ग पर जुलूस के लिए सुबह छह से आठ बजे तक का समय सिया समुदाय को दिया गया था मंडलायुक्त ने यह कहा कि जुलूस की परमिशन देने का प्रशासन का जो फैसला है वो बेहद ऐतिहासिक कदम है तो वहीं जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि कश्मीर शांति और स्मृति की राह पर आगे बढ़ रहा है लेकिन जाहिर तौर पर अब उमर अब्दुल्ला जहां मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करने के लिए मजबूर हुए हैं तो वही महबूबा मुफ्ती को भी बड़ा झटका लगा है जो लगातार आर्टिकल तीन को बहाल करने की बातें कर रही है आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव लाकर अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पीडीपी और कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया था पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अगर तीन रद्द हुआ तो घाटी में खून की नदियां बहेंगी उन्होंने यह भी कहा था कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा कोई भारत का तिरंगा कश्मीर पे नहीं उठाएगा लेकिन खून की नदी भी नहीं बही और जम्मू कश्मीर में अब तमाम जगह तिरंगा लगा हुआ है साफ तौर पर देखा जा सकता है ये कश्मीर की तस्वीरें हैं ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और आज वहां लगभग तीस साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तीन दशक बाद मुहर्रम का यह जुलूस निकला है श्रीनगर के तारिकी लाल चौक पर लगभग 30 से 32 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकालने की परमिशन दी गई सुबह छह बजे से आठ बजे तक ही मुहर्रम का जुलूस निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया जम्मू कश्मीर सरकार के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है मुहर्रम का आठवा दिन है जो की पिछले तीस बत्तीस साल से बैन था और आज हम थैंक यू कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिन्होंने एटलीस्ट ये कंसिडर किया कि एक इमोशन है एक मेजॉरिटी है यहाँ पे हमशिया पॉपुलेशन की और यकीन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये ऑर्डर आया कल रात को तो लोगों को रात की नींदें उड़ चुकी थी और छः बजे का टाइम था लेकिन रात के बारह एक बजे से ही लोग आना शुरू कर चुके थे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि, कि कितने लोग कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पे आए हैं और इमाम हुसैन के लिए यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं और एक मैसेज है जो मैसेज है पीस का जो मैसेज है यूनिटी का जो मैसेज है एक प्योर सेक्रीफाइस का जो मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के

कल भी बताया था लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हम बहुत सिंसेरली चाहते हैं कि जो इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि उनका आठ वाला जो प्रोसेशन है वो उनके हिस्टोरिक रूट से निकले जो दसवा प्रोसेशन है वो तो री रूट कर दिया गया था लोगों ने अपने हिसाब से लेकिन ये वाला जो प्रोसेशन है ये कभी री रूट शायद नहीं हुआ था इससे रिलेटेड जो इनकी कमेटी है इनसे भी बात हुई उसके बाद सभी पहलुओं को हमने मद्देनजर रखा खासकर देखिए कल एक वर्किंग डे है और वर्किंग डे होने के नाते जो रूट इनका है एम ए रोड है और एम ए रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आप जानते हैं होता है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि लोगों को कम से कम जो है परेशानी का सामना करना पड़े ये रखते हुए और इनकी भी हमने डिमांड को रखते हुए इन और कल जब आपको याद होगा हमने कहा था कि साहब हम कह रहे हैं कि हमें कुछ डिटेल नहीं दे पा रहे हैं तो डिटेल्स तो कह रहे हैं इन्होंने आज भी नहीं दे पाए बट कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि सुबह छः से आठ बजे के बीच में प्रोसेशन जो अब तक हिस्टोरिकली नहीं चल पाया था वो कल इन चलेगा और उनको वही परमिशन हम इनको दे रहे हैं सुबह छः से आठ सुबह छः से आठ जो है इसकी जो टाइमिंग रहेगी सुबह छः ये गुरु बाज़ार से चलेगा और आठ बजे जो है ये यहाँ पे डल गेट पे जो है ये कलमिनेट होता है आठ भी हो सकता है मान लीजिए ये लोग चल रहे हैं तो आठ से थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा तो इट्स नॉट सेक्रोसेंट द अपर लिमिट इट कैन बी सीन डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिकल सिचुएशन कि कैसे ये जुलूस चल रहा है या किस तरह से है बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि ये शांतिपूर्वक होगा जिस तरह से हमें अश्योर किया गया है ना केवल इनके के द्वारा बल्कि सभी कम्युनिटी लीडर्स के द्वारा हमको इसे अश्योर किया गया है लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला कई विपक्षी दलों को रास नहीं आएगा जो लगातार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रद्द होने का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 370 को बहाल किया जाए क्योंकि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी सियासी दुकान नहीं चल रही है चाहे फिर वो पीडीपी हो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो कांग्रेस पार्टी हो उन्हें ये डर सता रहा है कि जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर कहीं उनके लिए राजनीतिक रूप से कोई बड़ा झटका ना बन जाए क्योंकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे और फिलहाल जो तस्वीर देखने को मिल रही है वहां पर पत्थरबाजों पर लगाम कसी गई है आतंकी घटनाएं भी छुटपुट नजर आ रही हैं यानी कहीं कोई घटना हो जाती है लेकिन उसको लेकर भी सुरक्षा बल वहां पर सतर्क हैं और लगातार उन तमाम लोगों पर एक्शन हो रहा है जो कहीं ना कहीं इन आतंकी गतिविधियों में लिप्त है या आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं या किसी ऐसे संगठन की मदद कर रहे हैं जो की आतंकी गतिविधियां चला है या जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है फिर चाहे वो आ, सरकारी जो कर्मचारी हैं वो हो या हो या या फिर फिर स्थानीय लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नेता तमाम लोगों पर शिकंजा कसा गया है तो जम्मू कश्मीर में लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही है फिलहाल आपको ये बता दें कि मोहरम का जुलूस निकाला गया है और जो आरोप लगातार मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार रहा है कि एक धर्म विशेष की राजनीति जो है बीजेपी करती है लेकिन आज जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है वो तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर धर्म का सम्मान करते हैं जिस तरीके से वो रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन भी जम्मू कश्मीर में देते हैं और मुहर्रम के जुलूस की परमिशन भी वो दरअसल श्रीनगर में दे रहे हैं तो ये तस्वीर ना कहीं विपक्षी पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा है और इस पूरी दरअसल जो जुलूस निकल रहा है इसको लेकर तमाम जानकारी वहां के आहला अफसरों की ओर से भी दी गई है कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने जब मीडिया से बातचीत की है तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जुलूस के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों से सिया समुदाय जुलूस की परमिशन मांग रहे थे प्रशासन द्वारा फैसला लेने के बाद हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हमारी तरफ से की गई है तीस साल से ज्यादा सालों में यह पहली बार है कि इस मार्ग पर मुहर्रम के आठवें दिन के जुलूस को परमिशन दी गई है तो ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से भी दी गई है और यह अपने आप में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है हालांकि आपको यह भी बता दें कि 1990 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन जो परमिशन दी गई है आ, उसमें कुछ शर्तें जो हैं वो भी रखी गई हैं आदेश में यह कहा गया है कि प्रशासन ने जुलूस निकालने वालों से यह कहा है कि वो किसी भी राष्ट्र विरोधी प्रतिष्ठान विरोधी भाषण या फिर नजी या प्रचार में शामिल ना हो आदेश में यह भी कहा गया है कि जुलूस के दौरान ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए जो राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हो और प्रतिभागियों को किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक या प्रतीक का अनादर नहीं करना चाहिए यह साफ तौर पर उस नोटिस में कहा गया है तो जुलूस की परमिशन देने वाले आदेश में ये साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि जुलूस निकालने वाले जो लोग हैं वो उत्तेजक नारे ना लगाए आपात या आतंकी संगठनों की, की तस्वीरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिबंधित संगठनों के लोगों वाला आ, कोई भी झंडा वो नहीं फहराएंगे यानी तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस नोटिस में लिखी गई है आ, वो जनहित में स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनकी इच्छा अनुसार सहयोग करके यानी तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो इस नोटिस में दिए गए हैं और उसके बाद ये जुलूस निकल रहा है लेकिन अपने आप में ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला है और ये प्रशासन का इतना बड़ा फैसला है कि अब जो विपक्ष के लीडर हैं यानी जो कल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल तीन को बहाल करने की बात करते थे उमर अब्दुल्ला वो भी मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस फैसले का अब समर्थन कर रहे हैं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो फिलहाल हमने आपको जम्मू कश्मीर की ये बदलती तस्वीर दिखाई है आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद